राम राम सभी को, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे हमदर्दों, राम राम सभी को। पता नहीं क्या हो चुका है, हर साल का हो गया है, जैसी दिवाली आती है मैडम का इंस्टाग्राम हैक हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, पता नहीं फलाना ढिकाना लिमका सिमका क्या क्या हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, दिवाली निकल जाती है इसकी रोते रोते, और उसके बाद इसका इंस्टाग्राम फिर वापस आ जाता है, मतलब दिवाली खराब करके जाता है। अब देखना इसकी हालत क्या हो गई है। हाँ, अब सुबह से बैठी है, दोपहर से अच्छा खासा धनतेरस पांच थी, बजे से बाजार गए, पूरा सामान सट्टा लाए, पूजा करने की जैसी बारी आई, जैसे इसने फोन खोला सो तब से ऐसे ही मुंह है। फिर मैंने ही पूजा की पूरी। कोई इंसान इतनी मेहनत किए तो यानी हवा में उड़ के ऊपर गए हो। हवा में उड़ के तो गए नहीं है, मेहनत करके गए हैं। 2018 से मेहनत कर रहे हैं, इतनी उससे गए हैं और इतने लोगों का अकाउंट। मेरा पता है, मेरा 5 से 6 बार अकाउंट सस्पेंड हो चुका है इंस्टाग्राम का, 5 से 6 बार। और होता ही क्यों है, और मतलब साल में 2 या 3 बार तो होता ही होता है। जब से मतलब 2 ही साल हुए हैं मतलब ग्रो किए, तो उतने में 5 6 बार हो गए, किसी का नहीं होता। मैंने इसीलिए, सारे लोग करते हैं दिन में 10 प्रमोशन, मैंने प्रमोशन भी बंद कर दिए, लिमिटेड करती हूँ 2 या 3, वो भी महीने में। मैं प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं करती, इसी वजह से मैं कहती हूँ मेरा मेन अकाउंट मेरे लिए बहुत कुछ है। भले वो मेरे को पैसा ना दे, कुछ ना दे, लेकिन मैंने उससे एक इमेज बनाई है, मैंने उससे फेम कमाया है, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं उस पर कोई रिस्क लेती नहीं हूँ, कोई प्रमोशन वगैरह का। बाकी के साइड वाले उनसे ले लेती हूँ, और फिर भी मेरा चला जाता है। समझ ही नहीं आता इतने लोग क्या ही क्या करते हैं, किसी के पे कोई दिक्कत नहीं आती। और दिवाली, पिछली दिवाली पे भी यही हुआ था, इस दिवाली पे भी यही हुआ। तेरा होता बाबू दिवाली पे ही है, अभी एक नहीं, बार दिवाली दिवाली पे पे भी हुआ था, दो बार हो न्यू ईयर चुका पे है भी हुआ था, और न्यू ईयर पे भी हुआ। मतलब तेरा त्योहार ही खराब करने आता और है न्यू ये। ईयर पे मेरा एक अकाउंट और था जिसमें 2.5 लाख थे, वो भी चला गया था। वो 1 जनवरी को ही हुआ था। मतलब कोई भी फेस्टिवल मेरा अच्छी तरह नहीं जा सकता। कहते हैं सोशल मीडिया, ये चीज़ एक होती है ना, लत होती है, तो अगर ये लत लग जाती है तो ये गायब होती है, तो बहुत टेंशन होती है। जैसे कि अभी खाना फिरने छूटा है हम, बिल्कुल अब तुमको क्यों परेशानी होगी, चुप 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 कर रहे हो, क्योंकि तुमको नहीं होगी, तुम्हें हमारे उससे कोई मतलब है ही नहीं है। नहीं, टेंशन होती है तुझे, होती है, मुझे तुझे देख के टेंशन होती है ना। मैंने बहुत मेहनत करी है, भले मेरा फनी कंटेंट है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फनी कंटेंट है, मैंने अपने फनी वे में ही बनाया है, लोगों को अच्छा लगता है उसके धन्यवाद, जिनको नहीं अच्छा लगता उनको भी धन्यवाद। तो इससे मैं आगे बढ़ी हूँ और लोग मेरे को इससे पहचाने, आज दुनिया जानती है अंजलि सिद्धू है, कोई है। तू परेशान क्यों हो रही, बता, चल तू तो परेशान क्यों हो रही, कोई चीज जाती है बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। चल चल। मुझे नहीं पता आएगा क्या नहीं आएगा, मैं नहीं कह सकती आएगा कि नहीं आएगा। बस मुझे बताया कि वो मेरी, मतलब वो मेरे लिए सबसे ज्यादा, मुझे यूट्यूब पैसा देता है, फेसबुक पैसा देता है, इंस्टाग्राम मुझे 1 रुपया नहीं देता, 1 रुपया, लेकिन इंस्टाग्राम मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि उससे मैंने फेम कमाया है, उससे मैंने नाम कमाया है, उसने मेरी इमेज बनाई है। वो मेरे पास जाए तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। कोई भी जाए भैया, सारे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है सब, लेकिन कोई भी अकाउंट नहीं जाना चाहिए, इतनी मेहनत करके बनाया। पता नहीं क्या ही इंस्टाग्राम को मेरे से दुश्मनी हो गई है, क्या दुश्मनी हुई है मुझे नहीं पता, या लोगों को दुश्मनी हुई है मुझे नहीं पता, किनको क्या हुआ है पता नहीं। यार दिवाली ठीक है हमारी, मैं तो कहती हूँ जो मेरा त्योहार, अब तो मेरे मन से बोलते हैं हाय निकल रही है, हाय, जो मेरे त्योहारों को बुरा करे, जो मेरे लिए कुछ गलत कर रहा हो या किसी ने कुछ करवाया हो, श्याम बाबा उसका सत्या का सत्या नाश करना, सही बता रही हूँ, बस इतना बोलूँगी। अगर मेरी पूजा में श्रद्धा में इतनी सी भी शक्ति हो, इतना भी वो हो, तो उसका सत्या नाश करना जो मेरे पीछे पड़ा हो। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, बहुत, हर बार का थोड़ी नहीं हो सकता है, सही बात है, है? हर बार ही है, मुझे पता है होगा जरूर, कोई भी हो जाए, कोई भी होगा, किसी किसी की मेहनत, तुम लोग भी कर सकते हो ना, कमाओ खाओ, तुम वीडियो बनाओ, जो भी कोई है अपना करो खाओ, क्या ही दिक्कत हो रही है। दूसरों के से कमेंट बरसाने आ जाएंगे, कोई कुछ कहता है कमाते जी, ये हमारी कमाई है, हम इससे कमाते ही हैं। कोई आ जाएगा कि पूरे दिन वीडियो, हमारा काम आपका काम कुछ और है, हमारा काम ये है, है? कोई कहता है पसंद नहीं आता तो आपके पास ब्लॉक का ऑप्शन है, ब्लॉक कर दो, जरूरी है यहाँ पे आके बोलो। फिर मुझे भी बहुत सारी चीजें पसंद नहीं आती, मैं तो नहीं बोलती किसी के पास जाके,
मैं ब्लॉक कर देती हूँ या फिर उसको स्क्रॉल कर देती हूँ। आगे यहाँ हगने की क्या जरूरत है, नहीं पसंद आ रहा खत्म करो, ब्लॉक करो, या ब्लॉक का ऑप्शन नहीं है। बस 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 शांति रखो, आएगा आएगा लेकिन मैंने अपने सब चैनल के लिए, मेरे पास है, मैं खुद कहती हूँ मेरे पास काफी चैनल है, लेकिन मैंने सबके लिए बहुत मेहनत करी, दिन रात एक करी। मैं इतनी ऐसी हो चुकी हूँ, इतनी सूख चुकी हूँ, कमजोर हो चुकी हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है हर चीज में। बिना मेहनत रंग लाती है, लाती है, लेकिन छिन जाती है ये नहीं पता था। क्या ही है ऐसे, क्या ही देख रहे हो, बस आके सूख चुकी है मेरी रो रो के। लेकिन अब ये तो है, माँ लक्ष्मी जी से भी कहूंगी, मैया आपको मुझसे क्या ही दिक्कत है, दिवाली तो खुशी खुशी जान लो। मैं जब भी, और मेरे अंदर एक चीज और है, दान पुण्य करने की, जब भी सोचू कोई भी दान पुण्य करूँ उस दिन मेरे साथ बुरा ही होता है। तो दान पुण्य करना तो मैं छोड़ ही रही हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, आज करूँ दूसरे दिन खत्म। और मैं तो दिखाती भी नहीं हूँ कोई दान पुण्य वगैरह, कुछ भी करूँ मैं दिखाती भी नहीं हूँ, अपने अंदर ही अंदर करती हूँ कि हाँ मेरे किसी चीज पे नजर ना लगे, ये ना लगे, वो ना लगे, फिर भी क्या ही प्रॉब्लम है। बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। नहीं सही बात है, नहीं आया तो दिवाली तो इतनी खुशियों से तो नहीं मना पाऊंगी, नहीं मना पाऊंगी मैं तो, सही कह रही हूँ।